उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में थाना कटघर इलाके के गोविंद नगर में आज सुबह संपत्ति विवाद में भाई ने ही अपने छोटे भाई को गोली मार दी। गोली छोटे भाई के पैर में लगी जिससे वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। गोली मारने के बाद आरोपी बड़ा भाई फरार हो गया। गोली चलने की सूचना पर मौके पर पहुंची थाना कटघर पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच की जा रही है और आरोपी बड़े भाई को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र के गोविंद नगर में रहने वाले 35 साल के राज बहादुर को आज उसके ही बड़े भाई कमल और बहनोई ने संपत्ति विवाद के चलते गोली मार दी। गोली राज बहादुर के पैर के पंजे में लगी जिससे वे लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। गोली चलने की सूचना पर थाना कटघर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं घायल राज बहादुर की पत्नी सीमा का आरोप है कि उसका जेठ कमल और नंदोई शौचालय का दरवाजा नहीं खोलने दे रहे थे, जिसको लेकर दोनों भाइयों में विवाद हुआ। फिर उसके जेठ कमल और नंदोई शंकर ने उसके पति राज बहादुर को गोली मार दी। घायल राज बहादुर का इलाज मुरादाबाद के जिला अस्पताल में चल रहा है। मुरादाबाद के पुलिस अधीक्षक नगर अमित आनंद का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है, आरोपी की तलाश की जा रही है, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राज बहादुर कैसे चोट लगी आपको? क्या चोट? थोड़ी गोली मारी है बड़े भाई ने, राजेश ने और लक्ष्मण ने। मकान छीनने का प्लान है, आधा बैनामा कर रखा है 420 से, और जैसे हम थोड़ी राज नोक झोंक हो गई थी, वो तो होती रहती है, एक मकान में रह रहे हैं तो नोक झोंक तो होगी। कुंदा लगा लेता है, हम खुलवाते हैं लैट्रिन वैटरिन का जाने के लिए। तीन कमरे घेर रखे हमने 420 से, गोस्वामी से 420 से बैनामा करा लिया एक वकील से। तो यही वो जैसा हमें एक कमरा दे रखा, हमारा आधा मकान है, हाँ, जमीन के विवाद में तो उसका बैठ कर कुंदा बंद कर देता है। वो कहता साले गोली मार दूँ उन्हें, निकल जा, मैं अपनी छत तो छोड़ूंगा नहीं, गोली मार देगा तो मार देगा अपने बच्चों को भी, ऐसे सड़क पर थोड़ी निकल जाऊँगा। और हम शिकायत करते हैं 112 नंबर पर तो पुलिस दोनों को बंद कर देती है। हाँ, पहले भी दो बार बंद हो चुके हैं, अब मैंने तो बंद करना कर दिया, कप्तान साहब के पास जाता है आजकल मैं, लेकिन मैं 112 पर लगाता हूँ तो दोनों को बंद कर देती, उसे मकान छीनने का और मौका मिलता है। क्या इसकी शिकायत थाने से की गई है? हाँ, थाने में कटघर में ले आते हैं, दोनों को बुलाते हैं, 151 में चलान कर देते हैं। तो वो सोचता है साला पुलिस बुलाएगा तो दोनों ही बंद हो, मैं इसके भी पैसे लगाए मेरे भी लगाए, तो उसे तो मौका मिलेगा ही। पुलिस बोले दोनों को बुला लेती, शिकायत हम करें, हमारे बच्चों को छेड़ा है, कुंदा लगा, बस 112 पर शिकायत करें, वो थाने बुला लेते हैं, थाने से चौकी भेज के 151 पर चलान कर देते हैं, तो इससे मौका मिलते है। ये सोच रहा था तो मकान में छीन ही लूँगा, साला पुलिस को बुलाता है तो और मौका, दोनों बंद हो जाए। लापरवाही रही है इसमें, तो पुलिस की भी लापरवाही है। मैंने कहा ये मर्डर कर देगा, घर पर तमंचा रखा हुआ साहब, कैसे न कैसे करके वो करो पुलिस, अब हमारा कैसे न कैसे करके इसे जेल जाना चाहिए, जेल से आके गोली मार देगा, जेल से निकलना नहीं चाहिए। ये तीन चार लोग, ये जिंदा ऐसा बदमाश है, 1995 में एक मर्डर और कर चुका है, एक तेलीपुरे के गांव का अमरोहा इन्हें मार दिया, और चमनजा गोली पैर में इसलिए लगी जैसे मैंने गेट खोला, हमारे वाले को तो ये तैयार खड़े थे चार लोग, तमंचा लिए हुए, जो मैंने जब गोली तो मारी रहा, मर तो जाऊंगा ही, तो मैं भाज के नाल पकड़ी इतने खटका दबाया, वो ऊपर वाले की दुआ से जैसे तुम्हारा माइक पकड़ लूँ मैं धोखे से नीचे, हाँ नाल नीचे हो गई, तो इसलिए मेरी जान बच गई, नहीं तो गोली तो फिर दोबारा भरी इनने, लेकिन मोहल्ले के लोग आ गए तुरंत, फिर इनने खेल के अंदर भी लगा दिया, फिर मोहल्ले के लोग आ गए तो तब जाकर भाजा नहीं, दूसरी गोली तैयार रखे हुआ था, उन्होंने सोचा पब्लिक आ जाएगी पकड़ लेगी, मार दी, मेरे पैर में गोली लगती सर, मैं तो बस इतना दर्द हो रहा था कि बोले तो फिर जिला अस्पताल में 112 नंबर है, 100 नंबर ये लाए, वहाँ पुलिस आई। गोविंद नगर थाना कटघर क्षेत्र में आज सुबह एक व्यक्ति के पैर में गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर पुलिस पहुंची तो यह ज्ञात हुआ कि बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को मकान के बंटवारे के कारण अपने छोटे भाई पर तमंचे से गोली चलाई थी। इस समय जो घायल व्यक्ति है उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहाँ उसका इलाज चल रहा है, स्थिति सामान्य है। और इसमें जो बड़ा भाई है इसके गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, मुकदमा पंजीकृत कर विधि